हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब जी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सो आप सब बात बढ़िया होंगे। चलिए जी, आज आपका इकोनॉमिक्स का पेपर ओवर हुआ। अब वो कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसको बिल्कुल साइड कर दीजिए। अब आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको फोकस करना है अब अगले पेपर के ऊपर, जो आपका लास्ट पेपर है, दैट इज योर अकाउंटिंग का, जो कि है 19th को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग आपका पहला पेपर हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। अब वो आपका पेपर कब है जी? 19th को है, परसों है पेपर। ठीक है जी। अब देखिए, जनरली क्या दिक्कत रहती है, जब ये लास्ट पेपर होता है, बच्चे कई बार थोड़ा सा लथार्जिक से हो जाते हैं कि सर इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, तीन तीन एग्जाम दे दिए हैं, सर नींद भी नहीं आती है ठीक से। अब लास्ट पेपर में बच्चों का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है कि सर पढ़ें, कैसे पढ़ें। और वैसे भी अब इस पेपर में और जाएगा, क्योंकि इसकी तैयारी आप पहले से करते आ रहे थे। अब आपको लग रहा है सर इसकी तो तैयारी हो चुकी है, हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे। सर ये भूल के भी गलती मत करना, बिल्कुल भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैंने पहले तैयारी कर ली थी, अब मैं थोड़ा सा लाइट हो जाता हूँ, आराम आराम से पढ़ लूंगा, हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल नहीं सर, ओवर कॉन्फिडेंट में जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो सर दिक्कत आ जाएगी। आपने पहले पढ़ा था, मान के चलता हूं आप लोगों ने तैयारी कर रखी थी, आप लोग पूरा प्रिपेयर थे। अब आपको उसको और इम्प्रूव करना है और अच्छे से लेकर आना है, क्योंकि सर जो आपके टाइम गैप अच्छा खासा आ गया है, कई दिनों का टाइम गैप आ गया है, तो आपने जो पहले अकाउंटिंग में मेहनत करी थी उसमें हाजिर सी बात है, अब आप जो पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको हो सकता है कुछ चीज आपके दिमाग से उड़ गई हो, वो आपको दोबारा रिवाइज करनी पड़े। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको फेस करने को मिलेंगी, तो आपको और मेहनत करनी है। आपको ये जो 1.5 दिन है ये वेस्ट नहीं करना, आप उसको इसमें और ज्यादा एफर्ट लगाने हैं, ताकि अगर आप पहले 80% के लिए तैयार थे, तो अब आपके 90% मार्क्स आने चाहिए। अब आप 90% के लिए अपने आप को तैयार करके चलो। ठीक है जी। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं सर, मैं जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या होता है, इस 1.5 दिन में, ये लास्ट के जो दिन में, इनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और वो कहते हैं कि सर लास्ट पेपर है, कर देंगे कर देंगे कर देंगे। नहीं सर, आपको ये सोच के नहीं चलना कि लास्ट पेपर है कर देंगे। अगर आप ये सोच के चलोगे तो लास्ट पेपर ही सबसे खराब हो जाएगा आपका। आपको ये सोच के चलना है कि सर आखिरी ही तो पेपर है, लास्ट ही तो पेपर है, इसमें और मेहनत कर लो, काम खत्म हो जाएगा। इसमें और मेहनत कर लो, काम खत्म हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग को पता भी है सर, ग्रुप 1 अपना फाउंडेशन लेवल पे आपका अकाउंटिंग का पेपर ही ऐसा है जो आपके मार्क्स को, परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकता है, इवन आपको रैंक लाने में मदद कर सकता है। तो आपको इसमें अपना टारगेट रख के चलना है, सर मेरे को 90+ स्कोर करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है जी। चलिए, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से अब डिस्कस करूंगा कि अब जो हमारा 1.5 दिन है, आज का कुछ घंटे, आज के दिन को वेस्ट नहीं करना, आज के कुछ घंटे, कल का पूरा दिन, और जो परसों एग्जाम डेज है उसमें एग्जाम से पहले के कुछ आवर्स, हम इसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं इस लगभग 1.5 दिन के आसपास के टाइम को। ठीक है जी। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। आइए देखिए जी, ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे लगभग 6 बजे के आसपास, तो मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि 6 बजे का मैंने टाइम इसलिए रखा क्योंकि 6 बजे के आसपास सब लोग घर पे आ जाते हैं, सब लोग घर पे पहुंच जाते हैं। अब आपको क्या करना है सर, 6 बजे अच्छे से आपको पहले तो खाना पीना है। देखिए जी, क्या होता है कि एग्जाम से पहले बच्चा ठीक से खा नहीं पाता, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अच्छे से खाइए पिए, हेल्दी डाइट लीजिए, लंच नहीं किया अच्छे से तो सर लंच कर लीजिए, अच्छे से खा पी कर आप लोग क्या करिए सर, सो जाइए, कुछ भी नहीं पढ़ना। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि सर आते ही 1 घंटे के बाद आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। सर जितना मर्जी एफर्ट लगा लो, आते ही पढ़ाई हो ही नहीं सकती। अब 3 पेपर आपने दिए होंगे, आपको खुद भी पता होगा कि आते ही पढ़ाई करना बहुत टफ हो जाता है। अगर आप बैठ भी गए तो, अगर आप मान के चलिए 4-5 घंटे ही बैठ गए, तो सर 2 घंटे का आउटपुट आएगा, और वो 2 घंटे का आउटपुट सर बेकार है, कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर ये है कि पहले अपने माइंड को रिलैक्स कर दीजिए, उसके बाद अगर आप 3-4 घंटे ही पढ़ते हैं, तो 3-4 घंटे में 4 घंटे का पूरा आउटपुट निकालेंगे हम, 100% आउटपुट निकालेंगे। ठीक है सर। तो मैं मान के चलता हूँ 6 से आप 9 बजे तक, मतलब खाना वाना खा पी कर 9 साढ़े 9 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं सर, 3 साढ़े 3 घंटे, 9 साढ़े 9 बजे तक आप क्या करिए सर, सो जाइए स्लीप। ये कौन सी डेट की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आज, दैट इज योर 17 नवंबर की, 17 नवंबर जो आज आपका पेपर है संडे का दिन। 6 से 9 साढ़े 9 बजे तक आप लोग क्या कीजिए सर, सो जाइए और कुछ भी नहीं करना, खाए पिए सो जाइए। दूसरे पेपर, पिछले पेपर की आपको बिल्कुल भी किसी से डिस्कशन नहीं करनी है, किसी फ्रेंड से कोई बात नहीं करनी है। जो पेपर हो गया जैसा हो गया उसको साइड कर दीजिए, पिछले पेपर जैसे हो गए साइड कर दीजिए, फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर, आखिरी पेपर है सर, मेहनत करिए, निकाल दीजिए, उसके बाद सर मजे ही मजे। ठीक है सर। 9 साढ़े 9 तक सोएंगे, तो मैं मान के चलता हूँ आप 9 बजे उठे, 9:30 बजे उठे, मैं फिर भी मार्जिन लेके चलता हूँ सर 10 बजे अगर आप पढ़ने बैठते। ठीक है, उठेंगे थोड़ा रिलैक्स करेंगे,
मुंह धोएंगे, कुछ पानी वानी पियेंगे, जो मर्जी करेंगे, आप 10 बजे पढ़ने बैठ जाइए। किसी भी हालत में आपको 10 बजे पढ़ने बैठना है। 10 से लेकर सर आप 2 बजे तक का एक स्टडी शेड्यूल निकालिए 4 घंटे का। अब सर अगर आप एग्जाम से आने के बाद, 6 बजे से आने के बाद, 7 बजे से लेकर आप सोचेंगे मैं 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 4 घंटे का स्टडी शेड्यूल निकालूंगा, पढ़ तो लेंगे, बैठ तो जाएंगे, लेकिन उस 4 घंटे में सिर्फ आपकी 2 घंटे की पढ़ाई होगी। आपको इस 4 घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, तो बेटर ही रहेगा कि आप ही सो जाइए। उसके बाद 10 बजे से लेकर सुबह मतलब रात के 2 बजे तक आप 4 घंटे पढ़ाई कीजिए। अब ये 4 घंटे में आपको क्या करना सर, ये 4 घंटे आप अगर आप पढ़ेंगे तो सर आपके 100% आउटपुट निकलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ये 4 घंटे में आप इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इजी चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कीजिए। मेरे हिसाब से जो मैंने निकाले हैं आपके लिए वो चैप्टर निकाले हैं, दैट इज योर BRS प्लस डेप्रिसिएशन प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हाँ जी, आपको रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, BRS डेप्रिसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन है। सर 4 घंटे में 3 चैप्टर हो जाएंगे? बिल्कुल सर हो जाएंगे, आपको रिवीजन ही तो करना है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम पढ़िए, रिवीजन करना है, दैट्स इट। रिवीजन किस हिसाब से होता है सर? रिवीजन के लिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स मिले, अगर आप मुझसे पढ़े तो मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखवा रखे, नहीं तो आप किसी से भी पढ़े हो, और अगर आपने सेल्फ स्टडी भी क्यों ना की हो तो स्टडी स्टडी मटेरियल में सर सारे कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट्स पढ़िए एंड क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए, कॉन्सेप्ट्स पढ़िए एंड क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए। आपको सर क्वेश्चन हाथ से सॉल्व नहीं करने, सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने कोई भी चैप्टर उठाया तो उसका एक क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि मेरे को स्पीड बनाने के लिए सॉल्व करते हैं तो सर स्पीड बनाने के सॉल्व कीजिए। ये 3 ऐसे चैप्टर है, इसमें सर 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है कि आपको 10 नंबर का क्वेश्चन कितनी देर में करना चाहिए, 4 नंबर का क्वेश्चन कितनी देर में करना चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन हो कि सर कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और देखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें कौन कौन से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कैसे हमें प्लान करके चलना चाहिए, सब चीजें भी मैंने आपको अच्छे से बता रखी है। ठीक है सर, तो BRS डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप लोग को कवर कर लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या कीजिए सर, 2 बजे आप सो जाइए और 18 नवंबर को नेक्स्ट डे, दैट इज योर मंडे, 18 तारीख को सर आप लोग उठेंगे लगभग, कोशिश कीजिए सर 7-7:30 बजे उठने की। हाँ जी, 7-7:30 बजे उठ जाइए, 7 से 7:30 के बीच में आप उठ जाइए सर, 5 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, यहां पर आपने 3-4 घंटे की नींद ले ली है, इसलिए 5 घंटे सफिशियंट है, आप 5 घंटे में आराम से सो के फ्रेश हो जाएंगे। तो 7-7:30 बजे आप उठकर कुछ नहीं करना सर, उठते ही पढ़ना शुरू कीजिए, उठते ही पढ़ना शुरू कीजिए, कोई नहाना धोना कुछ भी नहीं है, उठते ही सिर्फ फेस वॉश करके आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। साथ में रखिए सर ग्रीन टी, चाय, कॉफी, पानी, जो आपको चाहिए, जूस वगैरह जो पीना है आपको साथ साथ पीती रहिए। कुछ आपको छोटा मोटा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, कुछ बिस्किट्स वगैरह खाने हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, आमंड्स वगैरह खाने हैं, वो सब साथ में करती रहिए, लेकिन 7-7:30 बजे उठ के टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टारगेट देना है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, और आपको एक 4 घंटे का स्टडी शेड्यूल निकालना है सुबह 11 से 11:30 बजे तक। ये 4 घंटे का आपको स्टडी शेड्यूल निकाल लेना है। इस 4 घंटे के में स्टडी शेड्यूल में आपको क्या करना है, इसमें आपको बड़े बड़े चैप्टर्स उठाने हैं। बड़े बड़े चैप्टर्स में आते हैं आपके पार्टनरशिप प्लस फाइनल अकाउंट्स प्लस NPO, ये 3 चैप्टर आपको इस 4 घंटे में करने हैं। किस हिसाब से करने हैं सर, अगेन वही चीज, कंसेप्ट उठाइए, क्वेश्चंस को देखिए, और एक आध क्वेश्चन अगर आपको लगता है सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए। फाइनल अकाउंट्स और NPO साथ में कीजिएगा, क्योंकि सर इसकी एडजस्टमेंट लगभग सेम सेम से ही होती है, तो फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट रिटर्न पढ़िए सर, क्वेश्चन एक करके देख लीजिए काम बन जाएगा। ऐसे ही NPO की पहले एडजस्टमेंट रिटर्न पढ़िए, एक क्वेश्चन करके देखिए काम बन जाएगा। पार्टनरशिप में मान के चलता हूं क्योंकि इसमें अलग अलग कंसेप्ट है, तो अलग अलग कंसेप्ट का आपको अलग अलग क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो आप उसको उस हिसाब से प्लान करके चल सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ सर 4 घंटे में ये चैप्टर आप, ये 3 चैप्टर आपके आराम से हो जाएंगे अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर रखी है। ठीक है सर, तो ये 4 घंटे आपको मॉर्निंग में यूटिलाइज करके चलने हैं। अब पता है होगा क्या, जैसे आप सुबह 11:30 बजे देखेंगे अपने आपको, एनालाइज करेंगे सर मेरा कितना कोर्स हो गया, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे पहुंचेगा सर। क्यों? क्योंकि एक तो आपको ये रहेगा कि मेरे 3 तो बड़े चैप्टर हो गए, और प्लस ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे BRS डेफिनेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी मेरे हो गए।
एक तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। देखिए जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप एनर्जेटिक होंगे, उतना आगे का आउटपुट आपका अच्छा निकलेगा। ठीक है सर, तो ये 4 घंटे आपको बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज करने हैं। उसके बाद सर 1 घंटे का आपको गैप लेना है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक। इसमें आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। रेस्ट करने में इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पेंडिंग काम रह गए जैसे नहाना धोना ये सब चीजें करिए, अच्छे से अपना लंच वगैरह करना है, लंच वगैरह कीजिए। हैवी मत लेना, इतना हैवी लंच मत लेना कि आपको आगे नींद आने लग जाए। सर लाइट लंच लेना, क्योंकि एग्जाम में लाइट लंच ही प्रेफर रहता है, तो लाइट लंच लो ताकि आपका एनर्जी लेवल आगे तक मेंटेन रहे। कोशिश कीजिएगा सर जूस फ्रूट्स वगैरह इन पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है सर, उसके बाद आप क्या करेंगे सर, 12:30 बजे से लेकर एक 4 घंटे का अगेन स्टडी शेड्यूल निकालेंगे, 4 PM तक का 4 घंटे का अगेन आपको स्टडी आवर्स निकालने। 4 4 घंटे के स्ट्रेस सर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मैं इसको 2 2 घंटे में ब्रेक करूँ, 2 घंटे में कुछ हो नहीं पाता। 4 4 घंटे रखिए, 3 3 घंटे रखिए, लेकिन अब एग्जाम का टाइम है तो सर 4 घंटे आपको रखने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपका चल रहा है। तो 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, इसमें जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया आपका, एक आप छोटे छोटे चैप्टर आपके बनते हैं अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट प्लस सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सर कोशिश कीजिएगा इसको 1 से 1.5 घंटे में निपटाने की, 1 1.5 घंटे में ये 3 चैप्टर आपको कर लेने हैं। उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा, उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, दैट इज योर इन्वेंटरी प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज योर कंसाइनमेंट। ये आपको करके चलना है, इन्वेंटरी एंड कंसाइनमेंट। इसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें सर कंसेप्ट ज्यादा हैं, और ये कंसेप्ट आपके सेल ऑफ गुड्स वाले इसमें यहां पर यूज भी हो जाते हैं, तो ये इससे रिलेटेड है। तो पहले इसको कवर करके चलिएगा, फिर इन्वेंटरी एंड कंसाइनमेंट पर आइएगा। ये 4 घंटे सर आपके जितने अच्छे निकलेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन रहेगी। ठीक है सर। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है, मान लो अगर आपका 4 घंटे में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एनपीओ पूरा नहीं हो पाता तो सर आपको क्या करना है, इसको यहीं पर ही छोड़ देना है। रात को 10 से 2 बजे तक अगर आपके बीआरएस डेप्शन रेक्टिफिकेशन पूरे नहीं हो पाते तो जितने हो गए उसको वहीं पर ही छोड़ दीजिए। ऐसा मत करना भूल के भी कि अगर आपके ये पेंडिंग रह गए यहाँ पर कोई टॉपिक तो उसको आप अगले टाइम पे यूटिलाइज करो, यहाँ अगर आपके कोई टॉपिक पेंडिंग रह गए तो उसको यहाँ यूटिलाइज करो, तो सर ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको डेफर करते चलाओगे, अगली बार यूटिलाइज करते चले जाओगे, तो सर कुछ ना कुछ आपका टॉपिक बच जाएगा। मैंने पहले से ही मार्जिन रख रखा है कि आपके अगर कोई चीज रह जाती है तो हम उसको कवर कब करेंगे, वो मार्जिन मैंने आपको पहले से ही दे रखा है। मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ पर दे रखा है। तो 12:30 से 4:30 तक आपके अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू, सेल ऑफ गुड्स, इन्वेंटरी, कंसाइनमेंट, ये सब आपके कवर हो जाएंगे। सर अगर मान लो ये हमारे 3 घंटे में कवर हो गए, टाइम हमारे पास बच गया, तो क्या कीजिएगा सर, टाइम अगर बच गया तो अगर ऊपर आपके कोई टॉपिक बच गया तो उसको कवर कीजिए, नहीं तो सर अभी आगे मैं लिखवा रहा हूं तो आगे वाले टॉपिक भी आपको कर सकते हैं। वैसे ये मैंने 4 घंटे का शेड्यूल आपको निकाल के दिया है कि इसमें आपको लग जाएंगे इतना टाइम, ये मैंने पूरा दिमाग से बना रखा है कि ये सारी चीजें इतना टाइम आपको लगभग लग ही जाएगा। ठीक है सर। तो उसके बाद 4:30 से 5:30 आपको अगेन क्या करना है सर, रेस्ट करना है। इस रेस्ट में क्या करना है, आप चाय कॉफी प्रेफर करते हैं चाय कॉफी पीजिए, वॉक करना चाहते हैं इवनिंग वॉक पे चले जाइए, अगर आपको आधे पौने घंटे की नैप लेनी है तो नैप ले लीजिए, जो मर्जी कीजिए सर, सिर्फ माइंड को रिलैक्स करना है 1 घंटे के लिए, रेस्ट करना है। ठीक है, सोना नहीं है आपको, सिर्फ रिलैक्स करना है माइंड को। ठीक है सर। उसके बाद सर अगेन आप 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक एक 4 घंटे का स्टडी शेड्यूल और निकालेंगे। इस 4 घंटे में आपको क्या करना है, इसमें आपके जो टॉपिक्स रह गए जैसे शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स, ये शेयर कैपिटल डिवेंचर्स को दीजिए, और एक आपका रह गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक आपका रह गया कैश बुक। कैश बुक में पेटी कैश बुक इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए, तो पेटी कैश बुक का क्वेश्चन कर जाना अच्छे से। तो ये जो शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, पेटी कैश बुक वगैरह, इन चैप्टर्स को आपको करके चलना है। प्लस ये चैप्टर सर इतना टाइम लेंगे नहीं, इसमें फिर हम मार्जिन जो मैंने आपको दे रखा है एनी पेंडिंग टॉपिक अबव। अगर आपका ऊपर कोई पेंडिंग टॉपिक रह गया, अगर आपका ऊपर कोई पेंडिंग टॉपिक रह गया तो सर उसको इनके साथ आप कवर कर सकते हैं रात को 5:30 से 9:30 के टाइम पीरियड में। सर हो सकता है आपका फॉर एग्जाम्पल, ये तो देखो सफिशियंट टाइम है, ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट इन्वेंटरी, ये मैंने सुबह सुबह से लगे कि सर सुबह सुबह स्पीड ज्यादा होती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होती है, स्पीड ज्यादा होती है, तो यहाँ पर आप 3 कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका फॉर एग्जांपल एनपीओ रह गया या एनपीओ में कुछ पोर्शन रह गया, तो सर कुछ पोर्शन जो आपका रह गया उसको आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है सर। अब सर वैसे भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता रखा है कि पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इन 3 चैप्टर में आपको कोई भी 2 चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं,
दो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि सर एक चॉइस भी होती है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि छोड़ देना, ये आपका खुद का रिस्क है। पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इनमें से कोई भी दो चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करके चले, ठीक है सर। फिर भी अगर आपका कोई पेंडिंग टॉपिक रह जाता है तो उसको आप यहां पर देख सकते हैं। हाँ जी, 5:30 से 9:30, उसके बाद आपको क्या करना है सर, 1 घंटा अगेन रेस्ट, 9:30 से 10:30। इसमें आप लोग सर डिनर करना चाहे डिनर करना चाहे क्या मतलब करेंगी, डिनर करना चाहे डिनर कीजिए, प्लस रेस्ट कीजिए, म्यूजिक सुनना चाहते हैं लाइट म्यूजिक सुनिए, जो मर्जी करना चाहते हैं। किसी से फोन पे बात करके अपना टाइम नहीं खराब करना, किसी से फोन पे बात करके अपना दिमाग नहीं खराब करना, डिनर कीजिए, रेस्ट कीजिए, दैट्स इट। 1 घंटा अपने आपको रिलैक्स करना सर बहुत जरूरी है। उसके बाद सर 10:30 बजे से लेकर जो आपका 12:30 का टाइम है, 2 घंटे का, इसमें अगेन आपको कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, ऊपर मैंने अभी तक आपको कोई भी थ्योरी नहीं बताई, ये जो आपका टाइम है इसमें आपको थ्योरी पढ़नी है, इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरी क्वेश्चंस कौन से रहेंगे सर, मैंने आपको बता रखा है, मैंने ग्रुप्स वगैरह पे शेयर कर रखा है, तो जो मेरी लिस्ट है, जो मैंने आपको लिस्ट दे रखी है, वो लिस्ट आपको कवर करके चलनी है। अगर आपके पास वो लिस्ट नहीं है तो मैं देखता हूँ, हो सके, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, हो सका तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिस्ट को अटैच कर दूंगा, मैं कोशिश करता हूँ मैं इस लिस्ट को अटैच कर दूंगा उसमें। तो थ्योरी क्वेश्चन की वो लिस्ट आपको यहाँ पर 2 घंटे में कवर करनी है, प्लस एक जर्नल का सर क्वेश्चन जरूर देख के जाना, क्योंकि जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आया था, तो जर्नल का क्वेश्चन एक बार देख जाना, क्योंकि जर्नल एंट्री लगभग सब बच्चों को आती ही है। तो थ्योरी क्वेश्चंस आपको ये 2 घंटे में पढ़ के चलने हैं। अगर आपके पास मेरी लिस्ट नहीं है तो मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर भी अगर आप चाहें तो आप स्टडी मटेरियल के जो सर थ्योरी के चैप्टर्स होते हैं ना, उन थ्योरी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन 2 घंटे में, क्योंकि सर ये थ्योरी चैप्टर में, क्योंकि आना एक ही क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन एक ही आना है, लेकिन फिर भी सर हम उस 4 नंबर को भी गवाएंगे नहीं, हम उसको भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, इसलिए मैंने पहली लिस्ट बना के दे रखी है कि ये क्वेश्चंस कर लेना, रटना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ रीड करना है कंसेप्ट, रीड करते जाइए, रीड करते जाइए, आपका काम उसमें बन जाएगा। ओके सर, तो ये 2 घंटे का आपको स्केड्यूल निकाल के चलना है। ये सब बातें थी सर, हमारा जो इंपॉर्टेंट डे होता है दैट इज 18 नवंबर, जो हमारा फुल फ्लेज डे होता है, तो इस तरीके से आपको उसको यूटिलाइज करके चलना है। ओके, अब जो आता है हमारा एग्जाम का डे, दैट इज 19 नवंबर, कयामत का दिन जिसे हम बोलेंगे, ट्यूजडे, जिस दिन हमारा एग्जाम होगा, उस दिन सर आप 12:30 बजे तक लास्ट डे पढ़े, मंडे को आप 12:30 बजे तक पढ़े, उसके बाद 12:30 बजे आप सो जाइए अच्छे से सर, 6 साढ़े 6 घंटे की नींद लीजिए, और आपको 7 बजे पढ़ने बैठना है। कितने बजे? 7 बजे पढ़ने बैठना है। 7 से 9 बजे तक ये जो 2 घंटे का शेड्यूल है, इस 2 घंटे में आप लोग क्या करेंगे सर, 7 से 9 बजे तक आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं। क्या करने हैं सर, हर चैप्टर के एमसीक्यूज। सर क्या एमसीक्यूज पेपर में आते हैं? एमसीक्यूज पेपर में नहीं आते, लेकिन फिर भी एमसीक्यू से ट्रू फॉल्स बन जाते हैं, क्योंकि सर कंपलसरी क्वेश्चन में 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आने हैं, और एमसीक्यू आपके कंसेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो आपको हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर स्टडी मटेरियल में, हर चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं, स्टडी मटेरियल में ही दे रखे हैं, जिनके पास मेरी बुक है तो मैंने बुक में भी डाल के दे रखे हैं। तो हर चैप्टर के आपको एमसीक्यू जरूर करने हैं 2 घंटे में, सुबह 2 घंटे एमसीक्यूज करेंगे, तो सर आपके कंसेप्ट फिर दोबारा स्ट्रांग हो जाएंगे, जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े वो रिवाइज हो जाएंगे, प्लस आपकी ट्रू फॉल्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये 2 घंटे में आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ने हैं। फिर उसके बाद सर 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक एक आधा घंटा अपने आपको दीजिए, इसमें आप अपना बाथ वगैरह लेकर ब्रेकफास्ट कीजिएगा, ब्रेकफास्ट कीजिएगा अच्छे से, सैंडविचेस, जूस, हेल्दी, जितना भी ब्रेकफास्ट हो सकता है हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 9:30 बजे से लेकर 11:30 या 12 बजे तक, लास्ट 11:30 या 12 बजे तक, मैं 2 घंटे ही मान के चल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, तो मैं 2 घंटे और मान के चलता हूँ, 9:30 बजे से लेकर 11:30 या 12 बजे तक लास्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आरटीपी करनी है, इंस्टीट्यूट का जो आरटीपी होता है ना, रिवीजन टेस्ट पेपर, जो एक तो नवंबर 19 का है वो, एंड मई 19 का, पास्ट 2 अटेम्प्ट का आपको आरटीपी करके जाना है। एक बार उसको अच्छे से देख जाइएगा, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन आपने पहले से ही कवर कर रखे होंगे, इसमें जितने भी ट्रू फॉल्स हैं वो ट्रू फॉल्स अच्छे से करके जाइएगा, क्वेश्चंस को जरूर सर जरूर 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 नजर मार के जाइएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आरटीपी में से एज इट इज 20 से 30 नंबर का पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। तो ये आरटीपी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आरटीपी करना है आपको, प्लस जो इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर, इन्होंने एक ही निकाला था अक्टूबर के महीने में,
अक्टूबर 19 के महीने में जो मॉक टेस्ट निकाला था, उस मॉक टेस्ट को जरूर देख जाना। मैंने तो अपने सर क्लासेस में उस मॉक टेस्ट को एज अ एग्जाम फॉर्म में, एज अ टेस्ट फॉर्म में दे दिया था, कवर कर लिया था मेरे बच्चों ने। लेकिन जिसने नहीं कवर कराया कवर, उसको मॉक टेस्ट को जरूर देख के जाना, क्योंकि मॉक टेस्ट में से भी आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये सर 2 घंटे आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 2 घंटे में आपको इंस्टीट्यूट का आरटीपी प्लस जो आपका एक मॉक टेस्ट है वो करके जाइएगा। 2 घंटे आपको इसमें आराम से लग जाएंगे, 11:30 या 12 बजे बिल्कुल भी आपको, उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। 12 बजे से लेकर सर आपको उसके बाद रेडी हो जाना है, प्रिपेयर हो जाना है, बिल्कुल भी आपको पढ़ाई अप नहीं करनी है। जितना हो गया, अगर आपका सर आपको लगता है कि मेरा 90% ही तैयारियों पर ही है, तो कोई बात नहीं सर, 90% ही कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, 10% पे ज्यादा दिमाग मत खराब कीजिए, 90% को अच्छे से कवर करके चलिए। 12 बजे के बाद बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, फिर आपको एक लाइट सा लंच लेना है, रेस्ट करना है, पेरेंट्स के साथ बैठिए, भगवान का नाम लीजिए सर, मेडिटेशन कीजिए, जो मर्जी कीजिए, सोना नहीं है बिल्कुल भी, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स कीजिए। और सर आपका 2 बजे पेपर होगा, 1 बजे घर से निकल जाइए, क्योंकि आधे घंटा आपको पहुंचने में भी लगभग लग ही जाएगा, और 1:30 बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी हालत में पहुंच जाना है। इज दैट क्लियर? बताइए जी, एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोग लगभग 1:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि पौने लगभग 1:45 के आसपास एंट्री शुरू हो जाती है, तो आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। आई होप सो ये जो आपकी 3 दिन की स्ट्रेटजी, हमें किस किस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो सर इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आई एम डैम श्योर सर, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी सर, बच्चे अपनी स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी में सर मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ कमियां रहती है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको इस हिसाब से चीजें कर लेनी चाहिए, ठीक है सर। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे, आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी 1:45 बजे, मतलब 1:30 बजे एंट्री शुरू होती है, 1:45 बजे तो आपको सर हाथ में पेपर मिल जाएगा, 15 मिनट आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 15 मिनट में क्या करना है सर, मैंने पहले भी ये चीजें बता रही है, दोबारा रिपीट करता हूँ, वो 15 मिनट आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। उसमें सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन हटा देना है जो आपको नहीं करना है, जो आपको नहीं आता है सर उस पे काटा लगा दीजिए। तो 15 मिनट में सर पहला क्वेश्चन को छोड़कर, जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसको छोड़ के, कि बाकी के 6 क्वेश्चन है उनमें से आपको सर 5 क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करना है, कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन करना है, या वो क्वेश्चन पहले स्किप कर दीजिएगा, सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए, जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आपको आता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले कीजिएगा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको अच्छे से आता है तो उसको भी आप पहले कर सकते हैं, लेकिन सर मेरी ये रिकमेंडेशन रहती है क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले मत कीजिए, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है तो उससे आपको शुरुआत करनी है, और वो आप अपनी जो सीक्वेंस बनाएंगे मेंटेन कर लीजिएगा। सर एक गलती बिल्कुल भी मत करना, क्वेश्चन नंबर 1 आपने करा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट कर दिया, सर ये बहुत गलत प्रेजेंटेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कीजिए, अगर आपको बी पार्ट नहीं आता तो सर कोई बात नहीं, बी पार्ट की स्पेस छोड़ दीजिए, उसके बाद आप सी पार्ट कीजिए, क्योंकि स्पेस का सर आइडिया आप लोगों को अच्छे से होगा कि मेरे को कितना स्पेस छोड़ के चलना है, थोड़ा सा उससे हल्का सा फालतू छोड़ के चलिएगा ताकि स्पेस कम ना पड़े, क्लियर है सर। तो इस हिसाब से आपको अपना 15 मिनट को भी यूटिलाइज करना है सर, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन फ्री होकर पेपर देना है। कुछ सिली मिस्टेक्स है सर, रोल नंबर ले जाना, बिल्कुल रोल नंबर ले जाइएगा, अपना कैलकुलेटर ले जाइएगा, और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जरूर ले जाइएगा, एक पेंसिल जरूर रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। सर अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको आप बॉक्स में कर सकते हैं, डिफरेंट कलर का पेन मत यूज कीजिएगा, उसको बॉक्स में फ्रेम करके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप हर क्वेश्चन एक नए पेज से शुरू होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने एक पेज से किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 अगले पेज से होना चाहिए सर, बिल्कुल भी घिचपिच नहीं करनी, खुला खुला आपको पेपर करके चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर मेंशन कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट उसको सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है सर। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, तो मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर दूं कि किस हिसाब से आपको करना चाहिए, क्योंकि सर टाइम गैप ज्यादा हो गया है, तो उस तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है सर। चलिए, तो आई होप सो ये आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए सर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितने भी आपके फाउंडेशन के फ्रेंड्स हैं जो मेरे चैनल से कनेक्टेड नहीं है, तो सर उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, उन सबकी हेल्प होगी सर, जितनी ज्यादा हेल्प होगी उतना ज्यादा सर फायदा पहुंचेगा, उतना ज्यादा सर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। चलिए फिर, और जो अपना मैंने अभी बताया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की वीडियो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा, तो सर 1.5 दिन मैं पूरे, जिस टाइम पे आप फोन करेंगे, जिस टाइम पे आप मैसेज करेंगे, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूंगा, पूरी आपकी मदद करूंगा,
कोई भी सर झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जिस टाइम पे आप बोलेंगे उस टाइम पे आपको मदद के लिए मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, क्योंकि ये 1.5 दिन सर मेरे सब्जेक्ट का है, मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ। अच्छे से क्लियर है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।